देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भजिए। और भजिए में मैंने आलू वगैरह मतलब कि कट करके रख लिए। यहाँ पे हरी मिर्ची और प्याज मैंने कट करके रख ली है, धनिया वगैरह। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरा और मेथी दाना सॉरी अजवाइन और मतलब कि सब चीज़ को पेस्ट बना के रख लिया हैगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ ये वाली मिर्ची के भजिए बनाने वाली हूँ। तो मिलते हैं। आज हमारे मंदिर का हाँ तो बाहर हमारे मंदिर का रहेगा। मंदिर पर रखे बहुत अच्छे लग रहे। अरे बच्चों की ना पतंग ऊपर चढ़ रही। हेलो फ्रेंड्स, और है ना यहाँ पे ठंड अच्छी खासी हो रही है कि बढ़िया सी। और मैं तैयार हुई पर मेरे को ठंड इतनी लग रही थी कि मैंने स्वेटर डाल दिया। ये मैंने साड़ी पहनी है कि पर ठंड बहुत लग रही है। और यहाँ पे मेरे बाल में सुखा रही होंगी क्योंकि अभी गीले हैंगे। और लगभग 3-4 का टाइम हो रहा हैगा क्योंकि मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ अभी। नींद बहुत ज़ोर से आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सो लेती हूँ, तो सो के बस अभी उठी तो मैंने कि थोड़ा सा यार वीडियो बना लूँ, और नहीं तो फिर रह जाएगा तो रह जाएगा। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यही है। अभी खाना वाना सब हो गया हैगा। मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी और खिचड़ी बनाई थी, और है ना मतलब आलू बटले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, खिचड़ी बनाई और पराठे बनाए मैंने आलू के पराठे। बच्चों लोगों को आलू के पराठे तो जितना मर्ज़ी दे दो आप तो वो तो खा लेंगे, उन तो मना नहीं करने वाले हैं कि आलू के पराठे नहीं चाहिए। और आलू के पराठे, और देखिए आज संक्रांति है तो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी हैप्पी संक्रांति। और देखिए कैसे पतंग उड़ रही है ना। तो है ना आज है ना मकर संक्रांति है, तो उनकी आपको बहुत सारी बधाई, मकर संक्रांति की आप सबको बहुत सारी बधाई हो। और बस आज का वीडियो, आज है ना गार्डन में ना लाइटिंग वगैरह भी जल रही है तो अच्छा लग रहा है, बट आपको पता नहीं यहाँ से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैं एक बार कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, तो देखिएगा। देखिए अभी तो अच्छा खासा उंजेला तो हो रहा हैगा, बट ये जल रहा है तो दिखा रही। साई पतंग उड़ा ली। साई गया है पतंग उड़ाने के लिए, और पतंग उड़ा के अब आ रहा हैगा क्योंकि शाम हो रही है ना। तो भाई अब आ जाओ घर, और बच्चे लोग जा रहे हैंगे, इनको 5 बजे जाना रहता हैगा। मैंने आपको जैसा कि बताया हैगा वीडियो में कि बस ये जाने के लिए हो गए रेडी, और अभी ये जा रहे हैंगे। वंशु कहाँ जा रहे हो? बाय बाय, ध्यान से आराम से जाना हो। तो वंशु चलाएगा गाड़ी, और मतलब साई नहीं चलाएगा, बस वो उसको स्टार्ट करके बाहर तक ले जाता हैगा। और मिलते हैं थोड़ी देर से। फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ आज अपनी फ्रेंड के घर, और ये मेरी फ्रेंड हैंगे। हाय। और बहुत अच्छे हैंगे, मैं इनके यहाँ से ही बहुत सामान लेती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा सामान रखते हैंगे। मतलब अपन को किस चीज़ का बोलेंगे, कभी कॉस्मेटिक कटलरी आइटम, साड़ी, और है ना बहुत मतलब कि नेकलेस, हाँ नेकलेस वगैरह भी, दुल्हन का और भाभी का पार्लर भी है। तो बस भाभी के पास आई हूँ मैं तो सामान लेने के लिए, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। ये देखिए यहाँ पे सभी तरीके का सामान आपको मिलेगा, बहुत अच्छा हैगा, और भाभी का नेचर भी बहुत अच्छा है क्योंकि देखो उसी चीज़ से ही चलती है अपना। और यहाँ पे फिश पॉट मैंने आपको पहले दिखाया था ना मानसी, तो ये है मानसी की मम्मी वंशु
मकर संक्रांति पे माता जी का मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय माता दी। फ्रेंड्स अभी पार्सल आया हैगा और बिट्टू ने ऑर्डर किया हैगा, ये देखिए। तो ब्लैक और ये है ग्रीन कलर में, बहुत ही सुंदर है। मैं अभी दिखाती हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स ये आई है गजक और बहुत ही अच्छी लगती है, यमी मतलब गुड़ की पट्टी है और बहुत ही टेस्टी यमी हैगी। इसमें है ना पांच आती हैगी, तो हम पांच जने हैं ना तो एक एक खा लेते हैंगे, तो रेगुलर हम ये मंगाते हैंगे और सब एक एक खाते हैंगे। बहुत यमी टेस्टी है और गुड़ की है और मूँगफली है, यमी टेस्टी। ओ मजाक चल रही है माफिया, ऐसे पापा इधर से किधर से बोल रहे हैं, पापा किधर से, ये इधर से पापा बोल रहे।